मुंबई साथ में हमारे हैं लोकतंत्र कवरेज और मैं आपका दोस्त जेपी यादव। हम आपको बता दें, इस समय हम खड़े हैं महाराष्ट्र मुंबई का, ये मलाड अंबुजवाड़ी एरिया है और हमारे पीछे एक बोर्ड दिख रहा है। ये जो बोर्ड है ये हम आपको दिखा रहे हैं कि ये बोर्ड दिखाता है कि महाड़ा की संपत्ति है और महाड़ा की जमीन है, महाड़ा की जमीन है और इस जमीन पर यहाँ पर अतिक्रमण हुआ था। यहाँ पर कहा जाएगा कि गलत तरीके से यहाँ पर लोग रह रहे थे और उन्होंने अपना घर बनाया था। आज यहाँ पर महाड़ा की जो महाराष्ट्र सरकार के अंदर में महाड़ा की जो ये यहाँ पर कहा जाए कि अथॉरिटी है वो पूरा तोड़ा कार्रवाई कर रही है। पीछे की तरफ हम आपको कि महाराष्ट्र प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर मौजूद है पूरे बंदोबस्त के साथ और यहाँ पर इस तरीके की कार्रवाई हो रही है कि बताया जा रहा है कि जो ये पीछे झोपड़ा बना हुआ है, झोपड़ी मतलब ये झोपड़पट्टी है जिससे स्लम एरिया कहते हैं, इस एरिया में यहाँ पर महाड़ा मतलब जो गवर्नमेंट कहती है कि ये हमारी जमीन है और इस जमीन पर जो स्ट्रक्चर बने हैं वहां पर तोड़क कार्रवाई कर रही है, जिसके पीछे हम आपको दिखा रहे बहुत सारे लोग हैं, पब्लिक है जो कि अपना सामान बचा रहे हैं, अपना घर बचा, घर में सामान जो है वो बचा रहे हैं, बच्चों को बचा रहे हैं, खाना बचा रहे हैं, ये बहुत सारी चीजें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको आगे के जो यहाँ के लोकल लोग हैं उन्हें क्या दिक्कत हुई, उन्होंने घर किस ये जमीन किससे खरीदी या क्यों बनाया, कैसे बनाया, कुछ लोगों से मिलाने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? उधर देखना है आपको, आयशा बेगम। क्या क्या नाम है? आयशा बेगम। अच्छा, आपका अभी घर है इसमें जहाँ टूट गया? गया, टूट गया। हाँ, टूट गया। किससे लिया था आपने घर, किससे लिया था? इस्माइल से। ये इस्माइल कौन है? वो 7 नंबर में रहता। कितने का आपने लिया था? 2 लाख में। 2 लाख में। हाँ। तो आपको कुछ पेपर ऊपर बनाया था? वो एग्रीमेंट पेपर की जैसा दिया है, एग्रीमेंट पेपर। हाँ। उस एग्रीमेंट पेपर पे आपने 2 लाख रुपया उनको दे दिया। हाँ, दे। कभी से रह रहे हो आप? 10 साल से। 10 साल से। हाँ। तो 10 साल से ये अभी तोड़क कार्रवाई नहीं? नहीं, एक बार तोड़ दिए थे। अच्छा। तोड़ के चले गए थे, अभी ये पुलिस के बंदोबस्त से आई है तो ये हम लोग। तो आपको तो बहुत ऐसा तकलीफ होता होगा, अभी कहाँ जाओगे तोड़? कहाँ जाएंगे, बैठेंगे रोड पे। नहीं नहीं, रोना नहीं है, रोना। आप देख रहे हो कि ये हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका दर्द है, जिसका सियाना उजड़ता है उसके दिल में कितना बड़ा दर्द होता है वो आपको देखने को मिलेगा। आप कहना नहीं चाहिए कि जिसके सर से छत निकल जाती है उससे कितना बड़ा दर्द होता है। हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कहना चाहते हैं। मैं एक हमारे साथ में लेडीज हैं, बच्चे को लेकर के क्या क्या प्रॉब्लम अभी है? इतना बड़ा यहाँ पे डेमोनेशन हो रहा है कि कैसा? हमारा भी घर टूट रहा है। इधर आ जाओ, इधर 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 से इधर इधर देखो। हमारा भी घर टूट रहा है। नाम क्या है? नाम क्या है? मेरा नाम रुमाना शेख। तो कहाँ पे घर था आपका? जहाँ जहाँ टूट रहा है, अभी टूटा नहीं है, वहीं पर टूटने वाला है। टूटने वाला? कभी से रह रहे हो आप? हम लोग हो गए 6-7 साल हो गए। किसी से खरीदी किया था या आपने? हाँ, बोलिए ना कि अभी आप ठीक है, चलेगा जो भी। आप तो कभी आप ये जो रह रहे थे किसी से आपने खरीदी किया था? किससे किया था वो? उसका नाम तो पेपर पे लिखा हुआ है, मुझे पेपर नहीं पता है, पापा के पास है पेपर। अच्छा। तो अभी आप ये रूम टूट जा रहा है, कहाँ जाएंगे, क्या इरादा? कहाँ जाएंगे, यहीं बैठेंगे सामान लेके, कहाँ जाएंगे? रूम टूट गया तो कहाँ जाएंगे, कैसे कहाँ रहेंगे? तो अभी आपके साथ में छोटा सा बच्चा है, बहुत सारी प्रॉब्लम, क्या कर सकते हैं अभी, क्या करेंगे? आंखों में आंसू हैं और सपने सजो करके रखे थे कि यहाँ पे छोटा बच्चा है पास में और इस तरीके के, देखिए ना उनके दर्द क्या है कि कहाँ जाएंगे। इस जो छत जब निकल जाती है इंसान का दिल का जो दर्द होता है, और इसके वो जिम्मेदार हैं जिन्होंने इन लोगों को गैर तरीके से पेपर बनाया या इनको पेपर पे भरोसा दे करके इनको न्यूज, इनको रहने का स्थान दिया और उन लोगों के ऊपर आज ही इस तरीके की मुसीबत हो रही है जो कि वो रास्ता खोज रहे हैं कि कहाँ जाएं, किस तरीके से जाएं। हाँ बोले, हाँ बोले, क्या नाम है? मेरा नाम पुष्पा सतीश चंद्र सेठ है सर। मैं 20 साल से रहती हूँ, अकेले बुद्धि हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ आप बोलो। 5 बार मेरा घर तोड़ा, मैं रोड पे भीख मांग के अपना बनाती हूँ झोपड़ा, और ये लोग हर बार ऐसा करते। हम लोग भी आपके बच्चे हैं। हाँ। और ये लोग हर बार ऐसा करते बोलो, अभी मैं 65 साल की उम्र में कहाँ जाऊँ, मेरा तो सामान भी सब दब गया है। रोना नहीं है, क्योंकि मेरे को मदद करने वाला कोई नहीं। किसी से आपने लिया था माता जी रूम, ये खरीदा था जगह? नहीं नहीं, हम लोग बहुत सालों से बैठे। अच्छा, 40 साल से आप बता रहे हो? नहीं नहीं, 20 साल से। 20 साल से।
दोस्तों आप देख रहे थे कि बहुत सारा दर्द है, हम आपको बता नहीं सकते कितने लोग यहाँ पर पीड़ित हैं। छोटा छोटा बच्चा है, मासूम बच्चा है, आप देख रहे हैं, और उनके हाथ में एक मासूम बच्चा है जो कि आज बेघर हो जाएगा तो कल कहाँ जाएगा, और इन बच्चों का भविष्य कैसे होगा, यहाँ के लोग ये बच्चे एजुकेशन में किस तरीके से पढ़ेंगे, कहाँ रहेंगे। ये देखिए आप इनकी हालत, इनके हाथ कांप रहे हैं, और इनको रहने के लिए, और मैं अपने चैनल के माध्यम से इस चीज को कह रहा हूँ कि इसके जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने इनको यहाँ पर इस तरीके से रहने के लिए एक आशियाना दिया और भरोसा दिया है। आज तो भरोसा भी जो टूटा टूटा है, इनका घर टूट रहा है, तो इनका दिल भी टूट रहा है, इनका मन टूट रहा है, इनका विश्वास टूट रहा है। भाई पांच बार छोड़े कहाँ जावे, हम भीख मांग मांग के लाते और बनाते। दोस्तों हम आपसे भी अपने चैनल की तरफ से अपील कर रहे हैं कि आप भी जो जहाँ भी रहें सही पेपर लें, सही कागजात लें, और पूरी जानकारी लेकर के ही रहें, क्योंकि जो गवर्नमेंट की जमीन है या गवर्नमेंटेड लोग हैं वो अपनी कार्रवाई जरूर करते हैं, क्योंकि उनकी भी एक उनका एक प्रोटोकॉल होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो आज फंसे हुए, हम आपको आगे भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कितने लोग जो है कि गलत का शिकार हो रहे हैं। हमारे साथ में इस फाक सिद्दीकी हैं, शायद कुछ कहना चाहते हैं। बोलो इधर आ, अरे हटाना क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं इनके बीच में आया हूँ, मुझे पता चला तो मैं भाग के वहाँ से आया। ये हमारी बहन, इनके छोटे छोटे बच्चे, माँ, ये देखो ये जो इन लोग के साथ अन्याय हुआ है ये गलत है, इनको नोटिस कम से कम 15 दिन 20 दिन पहले देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिखाए कि 48 घंटे पहले नोटिस दिया गया, उसके अलावा नोटिस में ये दिया गया कि इतने झोपड़े तोड़े, लेकिन उससे कई ज़्यादा झोपड़ा तोड़ा जा रहा है, ये इनके साथ अन्याय हो रहा है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। मैं इसका बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं इसका विरोध करूंगा। अगर इनके साथ अगर अन्याय हुआ तो मैं सरकार से गुहार लगाऊंगा, इनको न्याय मिले। सुन रहा था मैं, एक तो पायाने अपन गए, आता घर तुटले तो आम्ही कुठे जाणार, जे होतं आम्हाला घर पाहायला सारा ते पण गेलं, आता जाणार कुठे तोच विचार आहे। मग रडू नको, रडू नको। तुम्ही कोणाबरोबर म्हणजे घेतले होते काय असं नाही, बनून राहत होतो असंच, घ्यायला कसं गरीब आहे आम्ही, असंच बनून राहत होतो। आम्हाला वाटतं की द्यायला पाहिजे, आम्हाला राहायला घर छोटं कसं, बोर्ड लागलं ते एक वर्षापासून, हे बोर्ड जे लागलं ते आता एक वर्षापासून लागलेलं, नोटीस वोटीस काय नाही दिलं। नाही नाही, आप देख रहे थे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका दर्द हम भी नहीं बता सकते, आप खुद देखिए आंखों में आंसू हैं, और एक आसरा भी है कि हम कहाँ जाएंगे। इस जब सर से छत हट जाती है, मैं इस बार को बात बार कह रहा हूँ कि जब सर से छत हट जाती है तो लोग के ऊपर एक पहाड़ टूटता है कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, किस तरीके से रहेंगे। हम आपको आगे एक वीडियो में दिखाते हैं प्रशासन यहाँ पर किस तरीके से कार्रवाई कर रहा है। फिर भी हम आपको अपनी चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि गलत लोगों पे यार भरोसा मत करो, गलत लोगों पे विश्वास मत करो, सही लोगों पे आप भरोसा करके सही लोगों से खरीदिए और बिक्री का काम करें। कौन कर मैं पंचशिला निकाजा बोल रही हूँ। अगर इन लोग का ऐसा रूम टूट रहा है, पहला भी टूटा था, रोजा था, उनको रोजा छोड़ना था और पक्के पक्के रूम थे, ठीक है, रोजे में तोड़ा था, लोग वहाँ भजे चल रहे थे, इधर डोजर चल रहा था, पत्थर चल रहे थे, कैसे कैसे उन लोग ने रहा राबिट डाले। अभी वो अपंग है, ये अंकल का ऑपरेशन हुआ है, ये बाइक आ जाएगी, और पुलिस वाले मिलिट्री बोलते कि हम सामान तक भरेंगे, संसार उनका क्यों अथरूटी दी क्या, उनको जहर दिखाओ ना, 2 दिन से लगा नोटिस तो कुछ भी कर सकते हैं पब्लिक के साथ। जब तुमने तोड़ा था 2017 में, उस टाइम तुमने क्यों ने बाउंड्री मारी, क्यों ने सामान करके लेके गए बाहर, कौन सी सरकार है वो? मोदी सरकार ने तो बोला कि हम 2011 के पहले सबको रूम देंगे, अभी ये कौन सी सरकार है जो गरीबों को मजबूर होकर राबिट डाला, मुंडा लगाया, पेपर लगा, ऐसा तो आदमी नहीं है, कहाँ जाएंगे वो, तो छोटे छोटे बच्चे लेके, तीन फैमिली है, अभी सब सामान रोड पे आया, बच्चे डिलीवरी बाई सामने बैठी है, क्या मेरा फिरा कर उधर, उधर डिलीवरी मैडम बैठी है, उसको बाहर निकाल, 2 दिन हुआ है उसका, ये कौन सा नाटक हुआ, कौन गए कहाँ जाएंगे लोग। मैडम ये जो अभी यहाँ की महाड़ा अथॉरिटी है वो कह रही है कि संपत्ति मेरी है, संपत्ति उसकी थी 2017 में, उसमें बाउंड्री मारना था और पुलिस को बुला के सबको बाहर निकालना था, ये रोएंगे आप लोग का, लोग रहते हैं अपना पेट काट के, ऑपरेशन हुआ है, कांदोली राठौड़ी में ये जॉब करते हैं, इतना बुरा इंसान, इनको देखो आप, ये उधर ऑपरेशन हुआ तो जॉब करने जाते हैं, काम पे से आते हैं तो रोज रोटी चलती है, और आज अचानक उनका घर तोड़ा तो कैसे करेंगे वो, कहाँ जाएंगे, तुम लोग को टेम्पो ला के सामान लेके जाने वाले, कैसे खाएंगे कैसे रहेंगे, उसका क्या, उसका जॉब देना।
धन्यवाद दोस्तों। आप देख रहे थे कि गुस्सा जाहिर है कि गुस्सा होना जरूरी है, लोगों के अंदर में आज रोष है, अभी तकलीफें तो होती हैं, और जो जो यहां पर कार्रवाई हो रही है उससे बहुत सारे लोग परेशान हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं अभी मैं भी खड़ा हूं, 4:15 बजे से कार्रवाई चालू है, 4 बजने को आ रहा है, अभी बहुत सारी कार्रवाई बाकी है, फिर भी हम आप मलावट है कि ये जो बोर्ड 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 मारा ए जरा शांत रहा बार बार प्रत्येक वेळा महाडा बोर्ड मारा बोर्ड आले हे ठीक आहे, पण ज्या वेळेला किती कोणत्या वर्षी तोडलं होतं 2017 मध्ये तोडलं गेलं होतं, तर मला तरी वाटतं त्या वेळेला जर यांना त्याच वेळेला बाउंड्री मारली असती तर आज हे लोक गाय गरीब जनता अजित बसली नसती, त्यांना काय वाटलं की चला तोडलंय तर आपल्याला कमीत कमी एक सहारा झोपडी आपण उभा करू आणि कसे तरी आपण पोटपाणी आपलं चालू, ह्या हिशोबाने लोकांनी जाग आपले धरले आणि बसलेत, पण मला एक म्हणायचं आहे की त्यांना काही झालं तर कमीत कमी त्यांना पर्याय जागा तरी दिली पाहिजे, त्यांची कुठेतरी काहीतरी सोय केली पाहिजे, आज याच्यात असे लोक आहेत की आज बाहेर कामाला गेलेले त्यांना माहिती नाही आमचं घर तुटलंय की आमची झोपडी तुटली म्हणून, आज ते येऊन बघतील त्यांच्यावर काय होईल आणि त्यांच्यावर काय याचं डोंगर दुःखाचं कोसळण ते सांगू शकत आणि त्यांच्या त्यांच्याच परिवाराला माहित होणार आहे, तर मला तर एक कळकळीचे भरोसा आहे विश्वास आहे असं वाटतं की काही केलं कसं केलं तर ज्यांना मी तोडलंय माडा असू किंवा कोणी असू पर्याय जागा तरी कमीत कमी इथल्या लोकांना त्यांना द्यावा, त्यांचा पेपर काही असतील ते बघून द्या काही हरकत नाही, पण त्यांना काही ना काही पर्याय जागा द्यावा, त्यांना घराचं बेघर करू नका, माझी एवढीच विनंती एवढंच बोलून मी 2 शब्द माझे समाप्त करते। व्हिडिओ को लाईक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी जरूर